आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। अंबाला में ससुराल पक्ष द्वारा अपने ही जमाई को गुंडों से पिटवाने का संगीन मामला सामने आया है। गुंडों की ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गुंडों को कानून का कोई डर नहीं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी मदद करने आगे आए लोगों को भी गुंडों ने नहीं बख्शा। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उसका और उसकी पत्नी का किसी मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसकी पत्नी ने अपने परिजनों और किराए के गुंडों को बुलाकर उसके घर वालों को पिटवा दिया। गुंडों ने कई घंटों तक उनके घर में पहुंचकर तांडव मचाया। इतना ही नहीं, जो भी इस मारपिटाई में बचाव करने के लिए आया उनको भी गुंडों ने नहीं बख्शा। मेरी वाइफ की मदर फादर ने मेरे ऊपर पहले अटैक किया, भी तो लेके कैसे नहीं जाने देता मेरे घरवाली को। मैंने कहा भी मेरी घरवाली है, वो यहीं रहेगी, हमारे घर में बैठ के बात होगी, भी आप हमारा जुलूस ना निकालो बाहर निकल के। उन्होंने फिर फोन करके ना लड़के बुलाया, मैंने उसकी मम्मी के फोन में हाथ मार दिया, भी छोड़ो क्या लड़ाई बढ़ाएगी, वो फोन नीचे गिर गया। उसके फादर ने फोन करके ना अपने लड़के को कवल को फोन किया और उन्होंने उसको बुलाया। फिर वो एक लड़का आया स्प्लेंडर बाइक पे, उसके पास चाकू था और देसी कट्टा था उसके हाथ में। वो कहता कौन था मुझे बताओ, मैं बताता हूँ उसको। वो मैंने कहा मैं था, वो मेरे को मारने के लिए आया। उतनी देर में मेरी वाइफ पीछे से आई, वो कहती ये नहीं था भी, वो दूसरा लड़का था, उसको मारा। वो कहता भी मैं बताता हूँ, मैं क्या अब तू यहीं रुक भी। पुलिस को मैं उससे पहले ही फ़ोन कर चुका था, फ़ोन करने पे पुलिस काफ़ी देर में आई, 100 नंबर पे मैंने कंप्लेंट डाली थी। और फिर उसके बाद वो लड़के और आ गए उतनी देर में, 15-20 मिनट का उनको टाइम मिल गया। उन्होंने हमारे जो भी हमारे रास्ते में आए यहाँ से उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे पहले मेरे भाई प्रदीप के सिर पे उन्होंने रॉड मारी है, चाकू मारा है उसके पैर पे और उसकी चेन तोड़ के ले गए हैं। फिर उसके बाद मेरी ताई को रॉड मारी है, बाइक से टक्कर मार के भागता हुआ गया वो लड़का यहाँ से, और सब लड़के फरार हो गए। एक्टिवा और बाइक उनके हमारे यहीं पे रह गए थे, वो सब पैदल भाग गए। एक स्विफ्ट गाड़ी थी, एक मारुति गाड़ी थी, उसमें वो सब बैठ के आए थे। बहरहाल इस पूरे मामले में घायल हुए सभी लोगों को चंडीगढ़ के पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं झगड़े के अंदेशे को देखते हुए पड़ोसियों ने पहले ही 100 नंबर पर कॉल कर दिया था, लेकिन पुलिस देर से पहुंची। अब फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। इस झगड़े में जी मिलाप नगर में झगड़ा हुआ है, इसमें तीन व्यक्तियों को चोट लगी है, दो लड़के एक लेडीज को। हाँ जी, नीतीश के ससुराल पक्ष ने चोट मारी है। नीतीश के ससुराल पक्ष उनको लेके आया है, आउटसाइडर आदमियों को उनको चोट मारी। क्या कुछ कार्रवाई इसमें कंप्लेंट ले लिया जी, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसके बारे में सीसीटीवी फुटेज के कब्जे में लेने के बाद पता लगेगा, अभी नहीं लिया। देखना होगा कि कितनी जल्द पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होती है। सत्य खबर के लिए अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।